प्रियंका चोपड़ा की आज तगड़ी फैन फॉलोइंग है। 2002 में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली प्रियंका चोपड़ा आज अपने करियर में बहुत आगे बढ़ गई हैं। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में भी अपना कामयाबी का परचम लहराया है। हाल ही में एक्ट्रेस मुंबई पहुंची और जियो मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट की मेजबानी की। इस दौरान वो भूमि पेडनेकर समेत कई एक्ट्रेस से मिली और उन्होंने भूमि के साथ अपने पुराने दिनों का अनुभव भी शेयर किया। वहीं भूमि ने हाल ही में शेयर किया कि वो अपने स्कूल के दिनों के दौरान पहली बार प्रियंका चोपड़ा से मिली थी। उन्होंने इस पल को याद किया और बताया कि भूमि और प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा एक ही स्कूल में गए थे और प्रियंका को वहां एनुअल डे के दौरान चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया था, जिस दौरान भूमि ने उन्हें पहली बार देखा। प्रियंका ने कहानी जारी रखते हुए कहा कि वे स्कूल में छात्रों को मंच पर प्रदर्शन करते हुए देख रही थी। इसके बाद भूमि ने कहा कि वे मंच पर गई और 10 मिनट के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केवल प्रियंका को ही देखा। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने मजाक में इसे व्यक्तिगत प्रदर्शन कहा। भूमि ने फिर कहा कि प्रियंका ने पीछे मुड़कर देखा और वे खुश थी, वे मुझे देख रही थी। भूमि ने इसके बाद सालों बाद रोहिणी अय्यर की पार्टी में फिर से प्रियंका से मुलाकात की और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रियंका को वो अब भी याद है। भूमि ने आगे बताया कि भूमि एक घमंडी टीनेजर थी और उन्होंने हमेशा से प्रियंका को अपना आइडल माना है। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।